ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। उनतीस जुलाई को सतवास थाना क्षेत्र के गांव अतवास में एक गरीब किसान की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाने से क्षुब्ध महिला ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी, जिसमें महिला 20% जल गई, जिसे उपचार हेतु देवास महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उसे देखने आज प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी अजिता वाजपेयी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नूरी खान देवास पहुंचे। उन्होंने पीड़िता से भेंट कर घटना की जानकारी ली। इसके पश्चात श्री वर्मा ने कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं एसपी शिवदयाल सिंह से भेंट कर उनसे अनुरोध किया कि घटना की निष्पक्ष जाँच की जाए एवं जो दोषी है उन पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता को भी श्री वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह नियम है कि बरसात के दिनों में किसी के भी खेत से कोई भी रास्ता नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम विपक्ष में हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और गरीबों और मुजलिमों पर अत्याचार करने वाली प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से पीड़िता को न्याय दिलाए। इसके पूर्व गुना में घटित घटना से भी आप परिचित है ही। बेटी की शादी करेंगे, उस फसल पे जब बुलडोजर जाके खड़ा हो जाता तब इस तरह के कदम एक किसान को या उसकी पत्नी को उठाना पड़ेगा। यक्ष प्रश्न ये है कि 15 जून से 15 सितंबर अक्टूबर तक सितंबर तक 15 जून से 15 सितंबर तक खेतों में कोई सीमांकन, कोई नकदी, कोई अतिक्रमण हटाने का वर्जित है, प्रतिबंध है, ये आपके उसमें लिखा हुआ है। फिर क्यों प्रशासनिक अमला वहाँ जाता है तो उसकी खड़ी फसल पे छाती पे ले जाके जेसीबी मशीन खड़ी कर देता है, जब उस किसान को उसकी पत्नी को लगता है कि मेरे सपने टूट रहे हैं, मेरे सपने उजड़ रहे हैं, तो उसे 8 घंटे के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं। मेरा पूरा आरोप प्रशासनिक अधिकारियों पे है कि इस 15 जून से 15 सितंबर के बीच क्यों आपने ये कृत्य किया, आपने क्यों झूठ बोला कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया, यदि समझौता होता तो उस पर हस्ताक्षर होते, हस्ताक्षर नहीं थे। तीसरी बात, इस प्रकरण की 8 अगस्त तारीख लगी हुई थी तो 8 अगस्त के पहले फिर क्यों कार्रवाई आपने की, ये सारे प्रश्न है। तो पूरा आरोप मैं तो ये कहूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा से निर्देश मिले हुए कि दलितों पर अत्याचार करो, गुना जैसी जगह देवास में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करो और कोई जिला या कमजोर वर्ग पे अत्याचार करो। 27 चुनाव विधानसभा के आ रहे हैं, ये डर जाए जो वोटर कांग्रेस को वोट देता और ये चुनाव इफेक्टेड हो जाए। बीजेपी जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस राजनीति कर रही, गुना का मामला हो या देवास में, अब कांग्रेस अचानक एक्शन मोड में आ गई। अचानक एक्शन मोड में कैसे आएगी, ये झूठे लोग झूठ बोलने वाले, अरे विपक्ष क्या गूंगा हो जाए, अंधा हो जाए, बेरा हो जाए, विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं। अत्याचार होगा उसी समय हमें उन स्थानों पर जाना पड़ेगा। गुना में अत्याचार हुआ दलित को, तो पुलिस ने डंडों से पीट के पूरे परिवार, आप सबने देखा, कांग्रेस पार्टी का हमारा दल गया। आज देवास में कांग्रेस पार्टी का दल आया, अल्पसंख्यक आयोग का दल आया। क्या चाहते हैं विपक्ष के लोग कि गला दबा दो, विपक्ष का भी कमजोर वर्ग का गला दबा दो, किसान का गला दबा दो, विपक्ष है तो दमदारी से आवाज उठाएंगे। भैया पटवारी के साथ जो है मारपीट करने का एक बात सामने आ रही है, और एक बात ये भी है कि जो प्रशासन का है कहना है कि महिला को जो आग लगाई, वो अभी प्रेस वार्ता में भी ये सवाल उठा कि आग उसके पति द्वारा लगा दी गई थी, पहले से सुनियोजित था, इस तरह की बात प्रशासन ने कही, तो आपकी आज क्या बात हुई और आपको क्या जवाब है? महिला से हमारी बात हुई हॉस्पिटल के अंदर, उसने स्पष्ट कहा मेरे खेत नष्ट होते हुए मैं नहीं देख सकती थी, बर्बाद होते हुए मेरी खेती को मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने खुद आग लगाई कि
कि मर जाना ज्यादा बेहतर है, मैंने तुम्हारा पति का नाम मारा है। बोले मेरा पति क्यों आग लगाएगा, रमजान उसका वहीं खड़ा था। बोले भैया जमीन कल जाती आज चली जाए, मुझे मेरी बीवी जमीन से ज्यादा प्यारी है, मैं क्यों आग लगाऊंगा। बोले मेरे 13 साल के बच्चे पे मतलब दबाव बनाने के लिए केस लगा दिया। वीएच पूरा मामले में पुलिस प्रशासन ने कितने लोगों को आरोपी बनाया और क्या बता पूरा बताया हुआ? 11 लोगों पे प्रकरण आप देख लीजिए। अब आप तहसीलदार की बात कर रहे हैं, तहसीलदार को थोड़ा बहुत खरोच लगा ली होगी। वो महिला तो जिंदगी से जा रही थी, उसकी तो जिंदगी जा रही थी बेचारी, वो तो बच गई ईश्वर की कृपा। अच्छा भैया अंतिम सवाल है, आगे क्या आप कांग्रेस आज जांच भी कर ली, आपने मुलाकात भी कर ली? हम ये सारी रिपोर्ट हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को देंगे और उसके बाद जो निर्देश मिलेंगे। हम तो यही कहेंगे किसान भाइयों से, किसान भाई अपने हक के लड़ने के लिए एकजुट रहो, नहीं तो सरकार तुम्हें निगल जाएगी। मंदसौर में जो घटना हुई थी, शिवराज जब पिछले बार मुख्यमंत्री थे, 6 किसानों को अपने हित में आवाज उठाने पे गोली मारी थी। यदि तुम संगठित नहीं हुए तो इस तरह की कई घटनाएं होंगी। किसानों को दमन पूर्वक, क्योंकि यही वो किसान है जिसने 15 साल के प्रशासन से नाराज होकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसी को कुचलने की तैयारी। इधर कलेक्टर ने आज फिर से अतवास की घटना के संबंध में उनसे पूर्व मंत्री वर्मा और प्रतिनिधि मंडल द्वारा मिलने के दौरान हुई चर्चा से अवगत कराते हुए कहा कि 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी SDM कन्नौत को सौंपी है। ये लगभग 3 दिन पहले की घटना थी और चूंकि एक जो पक्ष था जो महबूब खान और हबीब खान अमन खान वगैरह का, ये लगभग 12-15 किसान है जिनका रमजान और शरीफ जो सामने खेत ले लिया है, उनने इस साल अब उसमें बोनी कर दी, इसलिए उन सब पर रास्ता बंद हो गया था। तहसीलदार के कोर्ट में धारा 132-133 जो सुखाचार होता है उसका एक प्रकरण लगाया गया जो कि 13 तारीख को फैसला हुआ था। तहसीलदार के कोर्ट में फिर दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से इस बात पे फिर सहमति बनी कि नाले के किनारे किनारे एक रास्ता बना दिया जाए। और अगर आपने जितने भी वीडियो हैं जो सामान्यतः जो टीवी में नहीं चल रहे हैं उनके अलावा भी जो वीडियो हैं अगर उसको देखेंगे तो कोई फसल को नुकसानी करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही नुकसानी फसल की जा रही है, केवल रास्ता बनाया जा रहा है। आधा रास्ता बनने तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक से जो रमजान है अपनी पत्नी को वो बाहर लेकर के आता है। वीडियो के कुछ फुटेज में यहाँ तक दिखता है कि वो मिट्टी के तेल का छिड़काव कर रहा है, बहुत तेज़ी से अपनी पत्नी को डांट रहा है, गाली बक रहा है, साथ में कह रहा है कि आग लगा आग लगा। संभवतः इससे प्रेरित होकर के और उसके उकसाने से उसकी पत्नी ने अपने दुपट्टे को दूर करते हुए उसमें आग लगाई है। इस तरह के वीडियो अब सामान्यतः सभी के पास हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। और जल्दी से वो अपने दुपट्टे को दूर करना भी चाहती है, पर चूंकि उसका दुपट्टा उसके हाथ में और कंधे में लिपटा हुआ है तो उसका हाथ और गर्दन में जलने का है और वो अभी जिला अस्पताल में भर्ती है। सारे हमारे सीनियर डॉक्टर लोग लगे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं। एक चीज़ जो और देखने को मिलती है जो कि सारे वीडियो को देख के भी बड़ा स्पष्ट होता है कि जब महिला के हाथ में और गर्दन पे आएगी तो बचाने के लिए जो व्यक्ति दौड़ा वो हमारा पटवारी था और बाकी उसके परिवार के लोग उसको बचाने के बजाय पटवारी के साथ में गाली गलौज कर रहे थे। पटवारी ने उस महिला को बचाया, फिर बाद में उसको अस्पताल भेजने की व्यवस्था की और उन सारे परिवार के लोगों ने पटवारी के साथ में मारपीट की। ये बहुत ही निंदनीय भी है और साथ में इस बात का संज्ञान बाद में लिया गया है। अब जो विषय आया था कि आज माननीय सज्जन वर्मा जी और साथ में कांग्रेस के कुछ सदस्य लोग यहाँ पर आए थे, उनको ये सारी घटनाक्रम सारे वीडियो ये सब उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं और प्राइम ऑफिसर वो मुझे संतुष्ट लग रहे थे कि जो रेवेन्यू की टीम थी उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। दोनों पक्ष ये चाहते थे अगर ये रास्ता नहीं दिलाया जाता तो कम से कम 15-20 किसान जो पीछे हैं उनकी अभी खड़ी फसल थी, जब गोभी लगा रखा है, सब्जियां लगा रखी हैं, उसको काट नहीं पा रहे थे, उसको तोड़ नहीं पा रहे थे और
एक चीज और देखने लायक है कि ये सब आपस में एक ही परिवार के हैं और पारिवारिक विवाद भी इनके बीच में पिछले कई वर्षों से थोड़ा बहुत चलता रहा है। मेरे समझ से ये एक्सेप्टेड है और जो इसमें से प्रमुख आरोपी है रमजान खान और शरीफ खान, इन दोनों के खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण हैं। इसकी जानकारी भी मैंने जो कांग्रेस की टीम आई थी उनको मैंने एक प्रति उपलब्ध करा दी है। क्योंकि ये मामला पिछले कुछ दिनों से विवादित रहा है और चर्चा में काफ़ी रहा है, इसलिए मैंने एक जांच के आदेश भी जारी किए हैं और SDM को ये कहा है कि हर पक्ष को नए सिरे से सुन करके जो वस्तुस्थिति है उसका एक प्रतिवेदन मुझे 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उनका अभी सज्जन वर्मा जी का ये कहना था कि इस मामले में जो तहसील न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा था और 8 अगस्त लगी हुई थी तो क्या जरूरत पड़ी पहले वहाँ राजस्व के दल को जाने की? राजस्व का दल नहीं गया था, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष जो है तहसील में उपस्थित हुए थे और दोनों पक्ष की आपसी सहमति से रास्ता बनाने की कार्रवाई की गई। जो रास्ता इसलिए भी कि उनकी सब्जी की फसल जो पीछे महबूब खान और जो इन्नत खान वगैरह हैं, जो 12-13 किसान हैं जिन्हें ये प्रकरण लगाया था, उन सबकी आज की तारीख में तैयार फसल खड़ी थी और वो लोग तहसील कार्यालय पहुंचे थे कि ये रास्ता हमारा कराया जाए, नहीं हमारी सारी सब्जी खराब हो जाएगी। उसमें रमजान खान को भी ऑफिस में बुलाया गया था और फिर ये सहमत था। अगर आप, मैंने जैसे कहा ना कि अगर संपूर्ण वीडियो को देखेंगे, वीडियो का एक बहुत ही छोटा सा अंश जो है हर समाचार चैनल में चल रहा है, पर पूरा वीडियो लगभग 1 घंटे का है उस पूरी कार्रवाई का। अगर उसको देखने से हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। ये स्पष्ट होता है कहीं फसल को नहीं नष्ट किया जा रहा है, नाले से लगा हुआ एकदम से किनारे किनारे रास्ता बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो रमजान है वो JCB के ड्राइवर से बातचीत भी कर रहा है, सामान्य बातचीत, पर एक कुछ समय पश्चात वो लगभग 1/2 घंटे की कार्रवाई शांतिपूर्वक अच्छे से होने के बाद अचानक इस तरह का उसने घटनाक्रम किया है। ये जांच का विषय है कि अचानक उसने ऐसा क्यों किया और जिसकी मैंने पहले बताया कि मैंने SDM को संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए आदेश किया है। सर, पटवारी कौन है जिसके लगी है और कहाँ भर्ती है वो? पटवारी जो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने उसको भर्ती कराया है, वो बाछरे उसका नाम है। और इस पूरे घटनाक्रम में मैं इसलिए कहूँगा उसने अच्छा कार्य किया कि उसने ये जो महिला जिसने अपनी आग लगाई थी उसको उसने बचाने का काम किया और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उसके परिवार के लोगों ने पटवारी के साथ ही मार दिया। थैंक यू। ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्र नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्र नवाचार। अभी राष्ट्रीय नवाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना।